गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, आई एम अनूप सर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 9 इन स्टैंडर्ड 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, देन इट रिमेन्स इन रेस्ट, और then object in motion, then it remains in motion unless we apply external force. Now today we are going to discuss about the second law of motion and momentum. First we see the momentum, which is called the momentum. The momentum of an object is the product of its mass and velocity. जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इट इज कॉल्ड मोमेंटम। p इज इक्वल टू m v। m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, p इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज मास। मास का SI यूनिट क्या है, kg। मास का SI यूनिट क्या है, kg। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, इट इज ए यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विच इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस क्वांटिटी हैव टू नीड मास विथ डायरेक्शन, इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी।